Hello India, how are you all? I hope all of you fine. I am Ayush. So guys, आज हम बात करेंगे स्टमक यानी कि पेट दर्द के बारे में. तो अक्सर कुछ खान पान की वजह से हमारे पेट में दर्द हो सकता है, लेकिन अगर आपको पेट दर्द की समस्या ज़्यादा है तो ये आपके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है. और पेट दर्द के जो है 5 संभावित कारण हैं, चलिए जानते हैं. अगर आपके बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड पेट में अधिकतर दर्द होता है तो यह जो है आपकी किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है या किडनी में पथरी होने के चांसेस हो सकते हैं. अगर आपके पेट में दाहिनी ओर दर्द होता है, राइट साइड दर्द होता है और अधिकतर होता है तो ये अपेंडिसाइटिस का कारण भी हो सकता है. और रही बात महिलाओं की, तो महिलाओं में ये दर्द गर्भाशय की समस्या के कारण भी हो सकता है. नंबर 4, पेट के बीचों बीच में. अगर आपके पेट के बीचों बीच में दर्द होता है तो ये अल्सर होने का कारण हो सकता है या फूड पॉइजनिंग के कारण भी आपके पेट के बीचों बीच में दर्द हो सकता है. और नंबर 5, अगर आपके पेट के ऊपर यानी कि चेस्ट से जस्ट नीचे अगर दर्द होता है तो ये एसिडिटी का कारण है. एसिडिटी में आपके पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होता है तो ऐसे में आप क्विक मेडिसिन की बजाय एक गिलास ठंडा दूध पिए, या अगर दूध आपको उस टाइम अवेलेबल नहीं है तो आप जिंजर यानी कि अदरक का एक छोटा टुकड़ा मुंह में रख के उसे थोड़ी देर चूसें, आपको थोड़ा लाभ मिलेगा. अगर नहीं मिलता है तो फिर आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं. नंबर 5, पेट के निचले हिस्से में दर्द. पेट के निचले हिस्से का दर्द आपके मूत्राशय से जुड़ी समस्या भी हो सकता है या मूत्र नली में इन्फेक्शन होने के कारण भी आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है. और महिलाओं में ये दर्द उनके मासिक दर्द के दौरान भी हो सकता है. चलिए जानते हैं कुछ ट्रीटमेंट्स, कुछ मेडिसिन्स के बारे में. लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने डॉक्टर की सहायता के बिना कोई भी मेडिसिन ना लें, लेकिन अगर आपको अर्जेंट है तो आप इन मेडिसिन्स का यूज कर सकते हैं, जिसमें से हमारी पहली पेंटाकाइन DSR पेंटापेनाजोल जिसका ड्रग है, आप 2 कैप्सूल्स ले सकते हैं. नंबर 2, जेनफ्लॉक्स OZ ओफ्लॉक्सासिन ओरिंडाजोल इसका ड्रग है, आप 2 टेबलेट्स ले सकते हैं. नंबर 3, मेफ्टाल इस्पात मेफनिक एसिड डाइक्लोमाइन, ठीक है, आप इसको इसकी भी 2 टेबलेट्स ले सकते हैं. 4, लिफेट, ये आयुर्वेदिक की एक मेडिसिन है. अगर आप वैसे तो आपको एक किसी भी केमिस्ट शॉप पे मिल जाएगी, लेकिन अगर नहीं मिलती है तो आप हिमालय की LIF-52 टेबलेट्स ले सकते हैं. लेकिन अगर आपके पास लिफिट अवेलेबल है तो आप लिफिट का यूज़ करें. लिफिट में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो आपका डाइजेस्ट सिस्टम ठीक नहीं है या आपको कई प्रॉब्लम्स हैं, तो आप दो मैं टेबलेट्स के नाम बता रहा हूँ, आप उनको ले सकते हैं. जो मैंने आपको पहले बताया हिमालय LIF-52, आप उसका एक डिब्बी ले सकते हैं जो कि आपको 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग पड़ेगी. और उसी के साथ आप एक उस ले सकते हैं डिब्बी गैसेक्स की, LIF-52 एंड गैसेक्स, ये दोनों आपको 200 रुपये की मिल जाएंगी. और दोनों में से एक एक टेबलेट आपको सुबह और एक एक टेबलेट शाम को खाना है. आप 1 से 2 महीने खा कर देखिए, आपको खुद रियलाइज़ होगा कि आपका पेट पहले से ज़्यादा परफेक्ट है. सो गाइस, आई थिंक आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा. अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को दीजिएगा थम्स अप और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा. हालांकि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं. अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा. तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, लव यू.